Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. ये कहानी है सूर्य की। सूर्य बचपन से ही, सूर्य को एक बीमारी होती है कि उसे कुछ भी फील नहीं होता। उसे चोट फील नहीं होती, दर्द फील नहीं होती, बीमारी फील नहीं होती। उसे यहाँ तक कि अपनी कंडीशन भी फील नहीं होती कि किस कंडीशन में वो रह रहा है, तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। उसके जन्म के बाद उसकी मदर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके बाद जितनी भी सूर्य की जिम्मेदारी होती है बचपन से ही, वो उसके फादर पे और उसके ग्रैंडफादर पे आ जाती है, यानी पिता पे और उसके दादा पे आ जाती है। तो उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर ही उसकी जो है परवरिश करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। सूर्य का किरदार एक सुपर हीरो जैसा किरदार आपको मूवी में दिखाई देगा। मूवी में फीमेल लीडिंग रोल में आपको दिखाई देंगी सुप्रिया। सुप्रिया इस मूवी में रहती हैं बचपन से ही सूर्य की फ्रेंड, या आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड। लेकिन बचपन में क्योंकि सूर्य काफ़ी शरारती होता है, तो उसके कारण सुप्रिया के जो फादर है वो नहीं चाहते कि वो सूर्य के साथ रहे, और वो उसे उसके साथ खेलने नहीं देते। उसे सुप्रिया और सूर्य को अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि सूर्य को जो है काफ़ी गुस्सा आता है। वो घर में जाता है, अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादा से कहता है कि मुझे फाइटिंग वीडियोस सिखाओ, मुझे फाइटिंग सिखाओ। तो उसके जो ग्रैंडफादर है, उसके दादाजी है, उसे काफ़ी सारी फाइटिंग की सीडीज और कैसेट ला के देते हैं, जो उसे पूरा दिन सूर्य देखता रहता है, पूरा दिन भर उन वीडियोज़ को देखता रहता है। और वहाँ से वो फाइटिंग सीखता है, कराटे सीखता है। और जब वो दोबारा अपनी दोस्त यानी सुप्रिया को, उसके फादर से सुप्रिया को छुड़ाने जाता है, तो वहाँ पे उसकी लड़ाई जो है उसके फादर से हो जाती है, और गलती में उसके फादर जो है वहाँ पे घायल हो जाते हैं और उसके फादर को चोट लग जाती है। वहीं से जो सूर्य के फादर है वो भी सूर्य को जो है एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब है कि उसे वहीं पर खाना देते हैं, वहीं पर कपड़े, वहीं पर सभी कुछ इंतजाम उसी रूम पर वो कर देते हैं। और कई सालों तक, काफ़ी सालों तक वो उस रूम से सूर्य को बाहर बिना इजाज़त के जाने नहीं देते। और यहीं से ये स्टोरी जो है ट्विस्ट लेना स्टार्ट करती है। काफ़ी साल रहने के बाद जब सूर्य रूम से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि दुनिया जो है काफ़ी आगे जा चुकी है। और वो जो उसका बचपन का हीरो रहता है कराटे मैन, जिसकी वीडियो देख देख के वो फाइटिंग सीखता है, वो और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है बचपन में सुप्रिया, वो बड़े होके उसे दोबारा उनकी मुलाकात होती है कराटे मैन की और सुप्रिया की यानी सूर्य की गर्लफ्रेंड की। जब वो मिलते हैं तो कंडीशन देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने हीरो यानी कराटे मैन की जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका वो बदला लेगा। और इस मूवी में एक सनकी सा किरदार आपको दिखाई देगा विलेन का, जिसका नाम है जिमी। जिमी एक सनकी सा किरदार रहता है जिसके पास काफ़ी सारे गुंडे रहते हैं, और वो एक डॉन टाइप का आदमी रहता है। तो ये पूरी स्टोरी है सूर्य की। अब मैं आपको बता दूं इसके प्लस पॉइंट, इसके माइनस पॉइंट, और क्या इस मूवी में इम्प्रूव किया जा सकता है। पहले बात करेंगे माइनस पॉइंट की। तो माइनस पॉइंट इस मूवी का है बजट। इस मूवी का जो बजट है वो काफ़ी लो बजट ये मूवी है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। इस मूवी का जो बजट है वो काफ़ी लो है, और इस मूवी के कई सारे ऐसे सीन्स आपको दिखाई देंगे जहाँ पे बजट जो है हाई रह सकता था, मूवी का बजट थोड़ा और ज़्यादा रह सकता था, जिसके कारण मूवी में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। नंबर टू पॉइंट है मूवी के एक्शन सीन्स। ये भी एक बजट से रिलेटेड है, क्योंकि बजट कम था तो मूवी के जो एक्शन सीन्स हैं वो भी उतने ग्रैंड लेवल के नहीं थे। हालांकि ये मूवी एक सुपर हीरो वाली मूवी बन सकती थी, एक प्रॉपर, जैसे आप मार्वल की सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं उसी तरह से मूवी सुपर हीरो वाली बन सकती थी, लेकिन बजट ना होने के कारण इसके एक्शन सीन जो है वो इतने इम्पैक्ट नहीं कर पाते आपको। थर्ड पॉइंट है ऑडियंस के साथ कनेक्शन। इस मूवी का जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, पहला ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो दूसरा ट्रेलर रिलीज़ किया गया था वो एक मास रिप्रेजेंटेशन के साथ रिलीज़ किया गया था, मास ऑडियंस के लिए रिलीज़ किया गया था। लेकिन इस मूवी में एक्शन आपको दिखाई देगा, कॉमेडी भी आपको दिखाई देगी, स्टोरी भी इस मूवी की अच्छी है, लेकिन जितने भी इसमें एक्शन सीन्स हैं वो उतने मास अपीलिंग सीन्स नहीं हैं जितने कि मास ऑडियंस इस सोच के थिएटर में गई होगी। क्योंकि मास ऑडियंस को ओवर द टॉप सीन चाहिए होते हैं, उन्हें एक हाई बजट मास एक्शन सीन चाहिए होता है, जो इस मूवी में आपको दिखाई नहीं देंगे। इस मूवी में आपको मास
फाइटिंग सीन जो है वो दिखाई देंगे, लेकिन वो काफ़ी रियल सीन दिखाई देंगे, काफ़ी रियलिस्टिक में दिखाई देंगे। अब मैं बात करूँगा इसके पॉजिटिव की। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी आप इसे कह सकते हैं, जिस मूवी में एक्शन भी हो, कॉमेडी भी हो, साथ ही साथ आपको इस मूवी में इमोशन का थोड़ा तड़का भी दिखाई देगा। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टार्टिंग से और लास्ट तक मूवी की स्टोरी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, और इस मूवी में आप बिल्कुल एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस मूवी थोड़ी मूवी स्लो हो रही है या मूवी में कोई चीज़ एक्स्ट्रा दिखाई गई है। तो मूवी की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर दो, मूवी के फाइटिंग सीन्स। मूवी के फाइटिंग सीन आपको बिल्कुल रियल दिखाई देंगे। अगर आप मास ऑडियंस के हिसाब से देखें तो वो इतने रियल नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक्चुअल मूवी के हिसाब से देखें, एक रियलिस्टिक मूवी के हिसाब से देखें, तो इस मूवी के फाइटिंग सीन काबिले तारीफ है। साथ ही साथ इस मूवी में जितने भी फाइटिंग सीन है वो आपको रियल दिखाई देंगे, और जितने भी फाइटिंग सीन आपको दिखाई देंगे वो करेक्ट और साथ ही साथ एक इम्प्रेसिव दिखाई देंगे। नंबर थ्री, फीमेल लीड। फीमेल लीड सुप्रिया। सुप्रिया आपको फीमेल लीड में दिखाई देंगी। इस मूवी में आपको बचपन में ही बिछड़ जाना, सुप्रिया का सूर्य के साथ बिछड़ जाना आपको दिखाई देगा। सेकंड हाफ के बाद सुप्रिया और सूर्य का मिलना आपको दिखाई देगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रिया का एक्शन सीन। इस मूवी में सुप्रिया के एक्शन सीन्स भी ज़बरदस्त दिखाए गए हैं। जिस तरह से सूर्य के एक्शन सीन्स हैं उसी तरह सुप्रिया के भी एक्शन सीन्स हैं। सुप्रिया इस मूवी में आपको एक मेन लीडिंग रोल की तरह ही दिखाई देंगे, जिस तरह आपको सूर्य दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक फीमेल जो कि एक्शन सीन्स के साथ, कॉमेडी सीन्स के साथ और साथ ही साथ इमोशनल सीन के साथ आपको तीनों के साथ परफेक्ट दिखाई देंगे। फोर्थ बात की जाए तो इस मूवी के सॉन्ग्स और मूवी के रेफरेंस। इस मूवी का जो सॉन्ग्स है वो आपको बैक आपकी जितनी भी बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ होती थी उनकी आपको याद दिला देगा। एक्शन सीन्स भी आपको पुरानी मूवीज़ की याद दिला देगा। और बात की जाए अगर मूवी के सॉन्ग्स की, तो हर सॉन्ग इस सिचुएशन के हिसाब से है, और कोई डांस वाला ऐसा सॉन्ग नहीं है जैसे कि मास मूवीज़ में होता है। बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट और बिल्कुल स्टोरी के साथ चलने वाले सॉन्ग्स आपको मूवी में दिखाई देंगे, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक। बात करते हैं कि मूवी में क्या ऐसी चीज़ें थी जो मूवी में एक्स्ट्रा दिखाई जा सकती थी या मूवी में इम्प्रूव की जा सकती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि बजट, बजट एक ऐसी चीज़ है जो मूवी में इम्प्रूव की जा सकती थी, मूवी में बढ़ाया जा सकता था। नंबर दो, एक्शन सीन्स। मूवी के एक्शन सीन्स उतने ज़्यादा ग्रैंड नहीं थे। मूवी में एक मैन टू मैन एक्शन सीन्स ही आपको दिखाई दिए गए हैं। गाड़ी के साथ आपको एक्शन सीन्स दिखाई देंगे, बाइक के साथ एक्शन सीन्स दिखाई देंगे। और इसमें आपको एक एडवांटेजेस थी, इस मूवी में एडवांटेज ये थी कि जो मेन लीडिंग रोल में है सूर्य, उसे कुछ फील नहीं होता। तो आप इसमें एक्शन सीन जो है गाड़ी के साथ, बाइक्स के साथ, या हाइट से जंप मारना, या इस तरह के आप एक्शन सीन्स मूवी में भरपूर दिखा सकते थे, क्योंकि ऑडियंस पहले से ही कन्विंस थी कि मर्द को दर्द नहीं होता, यानी लीडिंग रोल में जो सूर्य है उसको दर्द नहीं होता। तो इस सीन में एक्शन सीन्स के स्कोप जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उस एक्शन सीन्स का इस मूवी में 0% यूज़ किया गया है, 0% यूज़ किया गया है बड़े एक्शन सीन्स दिखाने में। और ये बजट के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर बजट मूवी का ज़्यादा होता तो शायद राइटर और डायरेक्टर सोचते एक्शन सीन्स बढ़ाने की, एक्शन सीन्स बड़े करने की। सेकंड थिंग जो इम्प्रूव की जा सकती थी इस मूवी में वो है इस स्टोरी को ग्रैंड करना। इस स्टोरी को आप और बड़ा करके दिखा सकते थे, और इस स्टोरी में आप मसाला ऐड कर सकते थे, क्योंकि इस स्टोरी की कहानी ही ऐसी थी कि आप इस स्टोरी में कुछ भी ऐड कर सकते थे, कुछ भी ऐड। इसको आप प्रॉपर एक सुपर हीरो वाली मूवी बना सकते थे, जो कि ऐसा आपको इस मूवी में देखने को नहीं मिला। तो यही कुछ इसमें ड्रॉबैक आपको मूवी में दिखाई देंगे। अगर बात की जाए रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 में से 8 रेटिंग, क्योंकि ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इस मूवी को मैं चाहूँगा कि इस मूवी का और भी पार्ट बने, इसका सेकेंड पार्ट बने, थर्ड पार्ट बने, फोर्थ पार्ट बने, क्योंकि इस मूवी में जो स्टोरी है वो आप बढ़ा सकते हैं, ग्रैंड कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं। इस मूवी में काफ़ी कुछ आप इस मूवी के साथ कर सकते हैं, स्टोरी के साथ कर सकते हैं, स्टोरी आप जितनी मर्जी इस मूवी को की बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर या यहाँ पर चैनल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उसे भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।